नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों शेरशाह की सक्सेस को एंजॉय कर रही। इस फिल्म में कियारा के साथ लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए थे। कियारा ने फिल्म में डिंपल चीमा का किरदार निभाया था। ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स का फायदा शेरशाह के लीड एक्टर्स को मिल रहा है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि शेरशाह के बाद सेट की डिमांड बढ़ती जा रही। उन्होंने करण जौहर की एक बड़ी एक्शन फिल्म को साइन किया। वहीं अब सेट के बाद कियारा आडवाणी की भी किस्मत चमक गई। दरअसल शेरशाह के बाद कियारा आडवाणी के हाथ एक और बड़ी फिल्म लगी। इस फिल्म में कियारा आडवाणी के साथ कार्तिक आर्यन नजर आएंगे। बता दें कि कियारा आडवाणी को ये फिल्म श्रद्धा कपूर की वजह से मिली। इस बात में कोई शक नहीं कि श्रद्धा कियारा से सीनियर एक्ट्रेस है और उनकी प्राइस वैल्यू कियारा से ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास की साहो के लिए श्रद्धा कपूर को लगभग 10 करोड़ रुपए सैलरी दी गई थी। हिंदी सिनेमा को देखते हुए श्रद्धा कपूर की फीस काफी ज्यादा है। जब साजिद नाडियाडवाला से श्रद्धा कपूर के मार्केट वैल्यू को लेकर पूछा गया तो इस बात ने उन्हें भी असमंजस में डाल दिया। साजिद नाडियाडवाला से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, श्रद्धा ने लगभग 20 हिंदी फिल्में की हैं, इनमें से 4 हिट रही, जिनमें से 2 बागी और बागी 3 को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। जब उनसे नई फिल्म के लिए श्रद्धा की फीस पूछी तो साजिद हैरान रह गए। यही वजह है कि साजिद ने भी श्रद्धा कपूर की जगह कियारा आडवाणी को लेने का फैसला किया। बता दें कि कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की ये फिल्म एक लव स्टोरी होगी, जिसका डायरेक्शन समीर विद्वान करने जा रहे हैं। कार्तिक और कियारा को ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए देखने के लिए फैंस भी बेताब हैं। वैसे आपको बता दें कि कार्तिक और कियारा इस फिल्म से पहले भूल भुलैया 2 में नजर आएंगे। फिलहाल दोनों इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि पहले कार्तिक और कियारा की इस नई फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा रखा गया था, जिसे अब बदल दिया गया है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि शेरशाह फिल्म करते ही कियारा आडवाणी की लॉटरी लग गई। अब उन्हें बैक टू बैक बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।